हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि चलती कार में हैंड ब्रेक लगाने के ऊपर है। कई लोगों का मानना है कि गाड़ी स्किड कर जाती है या कुछ ऐसा कुछ कि चारों टायरों में एकदम से ब्रेक लग जाते हैं और एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, तो ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। लेकिन सच तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं तो मैं भी नहीं जानता। मैं भी आज आपके सामने चलती कार में हैंड ब्रेक लगा कर देखूंगा और आप सबको भी दिखाऊंगा कि क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं कि क्या होता है। आपको दिख रही होगी फ्रेंड्स, हमारी इस गाड़ी की स्पीड अभी 40 की है और अभी हैंड ब्रेक नीचे है और अभी हम हैंड ब्रेक को खींचेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम हैंड ब्रेक को खींचते हैं चलती कार के अंदर और ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लाइट ऑन हो गई। लेकिन जैसा कि लोग बोलते हैं कि चारों टायर एकदम से ब्रेक लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हैंड ब्रेक लगने के बाद फ्रेंड्स, स्पीड ऑटोमेटिक कम होने लगती है और जो इसकी हैंड ब्रेक की जो लाइट है जो मीटर में आती है वो आ जाती है और ये साउंड करने लग जाती है कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है। मुझे गाड़ी के अंदर फ्रेंड्स कोई भी झटका या ऐसा कुछ ब्रेक लगने जैसा कुछ महसूस नहीं आया। ऐसा फील होता है फ्रेंड्स जैसे हमने नॉर्मल जो ब्रेक दबा रखे हों वैसे ब्रेक हमें महसूस होते हैं हैंड ब्रेक खींचने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम हैंड ब्रेक लगा कर देखते हैं। तो हमारी फ्रेंड्स अभी स्पीड 40 की है और ये हमने हैंड ब्रेक लगा दिए। जैसा कि फ्रेंड पिछली बार की तरह स्पीड कम होनी शुरू हो गई और हैंड ब्रेक की जो इंडिकेशन है वो ऑन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये लोगों के अंदर एक मिथ है कि गाड़ी स्किड कर जाएगी या पलट जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का रिव्यू। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।